Gentlemen, my name is Major H.S. Kalsi and I am the director of Balloi Academy. Friends, I am here today to speak to you about the career options available to serving defense personnel, that is below officer rank, to earn commissioned rank in the Indian Army. Gentlemen, the Army, all along the length of your service, will offer you options to earn a commissioned rank through ACC or through SCO or through PCSL. मेरा ये मानना है कि हर यूनिट को, हर कमांडिंग ऑफिसर को अपना एक KRA रखना चाहिए, जिसमें हर साल उनकी यूनिट से कम एक जवान कमीशन हासिल कर सके. जेंटलमैन, ACC इज अ गुड ऑप्शन एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू अबाउट द ACC एंट्री इनटू द इंडियन आर्मी. ACC ऑफर्स 200 वैकेंसीज एवरी ईयर. First 100 vacancies are available to you during your February intake and then second 100 are available to you during your August intake. कुछ समय पहले मुझे IMA जाने का मौका मिला. When I interacted with officers there, I found के ACC में 600 cadet होने चाहिए थे लेकिन 300 भी नहीं थे. That means a deficiency of nearly 50%. The route to ACC entails two steps. The first step is your written examination, and the second step is your SSB. To convert a jawan into a successful officer, it requires systematic and structured training, preparation or grooming. That is where we and Balloi Academy comes in. Keeping in mind the life of a jawan in the unit, where he has paucity of time, waqt ki killat hai, field area mein deployed hai, 24 ghante chukanna rehna padta hai, वाईफाई का इशू है, डिफिकल्ट लिविंग कंडीशंस हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए ACC रिटर्न एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक कोर्स बनाया है. इस कोर्स में वी हैव केप्ट ऑल रिकॉर्डेड क्लासेस सो दैट यू कैन वॉच दीज क्लासेस व्हेन एवर यू आर फ्री. वी हैव रिकॉर्डेड दीज क्लासेस इन रोमन हिंदी फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड एसिमिलेशन. हमारे जो जवान हैं पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, कुछ लोगों की हिंदी तगड़ी है, कुछ लोगों की अंग्रेजी, तो मिक्स करके तो रोमन हिंदी जो लैंग्वेज हमारी यूनिट्स में इस्तेमाल की जाती है उस लैंग्वेज में ये क्लासेस जो है रिकॉर्डेड की गई हैं. जेंटलमैन, आई विल नाउ गो ओवर the syllabus of the ACC exam with you. The ACC examination, the breakdown of syllabus is given here. It has been very thoughtfully and meticulously designed by the Army headquarters. Aap in char paperon ko nazdeek se dekho. Pehla paper hai General Mental Ability, GMAT. 150 question, 3 घंटे का पेपर है और 300 मार्क्स है. सेकंड पेपर देखिए, करंट एंड जर्नल अवेयरनेस टेस्ट CGAT, 150 क्वेश्चन, 3 घंटे, 300 मार्क्स. इंग्लिश, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ऑफ इंग्लिश, 120 क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं और बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. 3 घंटे का पेपर है, 300 मार्क्स है. चौथा पेपर एकेडमिक कंटेंट टेस्ट ACT,
150 क्वेश्चन, 3 घंटे का पेपर है और 300 मार्क्स है। द आर्मी हेडक्वार्टर्स हैज इंश्योर्ड दैट यू डू वेल इन योर सेकेंड स्टेज दैट इज द SSB। देखिए जब आप SSB में जाएंगे तो फर्स्ट डे फर्स्ट टेस्ट आपका होगा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। इंटेलिजेंस रेटिंग वहां पर आपको 2 पेपर दिए जाते हैं 50-50 क्वेश्चन के, वर्बल नॉन वर्बल डाइस एंड क्यूब्स। दिस इज द पेपर विच इंश्योर्स दैट यू डू वेल इन द OIR रेटिंग एंड अ गुड रेटिंग विल इंश्योर दैट यू आर स्क्रीनड इन टू द SSB, यू क्वालिफाई स्टेज 1। जब आप साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट करते हैं तो यू आर शोन सम पिक्चर्स एंड आफ्टर अ पिक्चर इज शोन टू यू, यू आर सपोज टू डिस्क्राइब एंड राइट अ पैराग्राफ। दिस इज दैट पोर्शन। इफ यू डू वेल इन योर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन दैट मीन्स यू विल बी एबल टू हैंडल द साइकोलॉजिस्ट क्वाइट वेल इन द SSB। जब आपका इंटरव्यू होता है द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। हाँ मैं मानता हूं शब्दों का हेर फेर हो जाए तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू करेंगे तो आपकी नेशनल और इंटरनेशनल अवेयरनेस हाई होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस। सो दिस इज वेयर इट कम्स इन। सो दिस पेपर हेल्प्स यू टू डू वेल इन योर फेज 2 दैट इज द SSB। जेंटलमैन यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस at the right time. So this is the time. Your ACC exam is still 2 months away. We are going to launch written batches from as early as 1st June. The place you have to be with Balloi Academy. If you put your hands down, focus on the work at hand, I'm sure you will do well. राम राम, जय हिंद।